अमीर डैडी का सबक। आपका मकान संपत्ति नहीं है। 20 साल पहले सन 1997 में मुझे अस्वीकृति की पर्ची भेजने वाले हर प्रकाशक ने अमीर डैडी के इस सबक की आलोचना की कि आपका मकान संपत्ति नहीं है। 10 साल बाद सन 2007 में जब सब प्राइम कर्जदारों ने अपने सब प्राइम मॉर्गेज की किश्त चुकाना बंद कर दिया तो संसार का रियल स्टेट बुलबुला फूट गया और करोड़ों मकान मालिकों को इस सबक की सच्चाई कठोर तरीके से पता चली। उनका मकान सचमुच संपत्ति नहीं था। असली समस्या, ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि रियल स्टेट क्रैश वास्तव में रियल एस्टेट क्रैश नहीं था। रियल एस्टेट क्रैश गरीब लोगों की वजह से नहीं हुआ था, ये तो अमीरों की वजह से हुआ था। अमीरों ने वित्तीय जुगाड़ करके डेरिवेटिव्स नामक प्रोडक्ट बनाए जिन्हें वॉरेन बफे ने सामूहिक वित्तीय विनाश के हथियार कहा है। जब सामूहिक विनाश के इन वित्तीय हथियारों में विस्फोट हुआ तो रियल एस्टेट मार्केट क्रैश हो गया और दोष गरीब सब प्राइम कर्ज लेने वालों पर मढ़ा गया। सन 2007 में वित्तीय डेरिवेटिव्स में लगभग 700 ट्रिलियन डॉलर थे। आज ये अनुमान लगाया जाता है कि वित्तीय डेरिवेटिव्स में 1.2 क्वाड्रिलियन डॉलर हैं। दूसरे शब्दों में असली समस्या कम नहीं हुई है बल्कि ज्यादा बढ़ गई है। अमीर डैडी का सबक। अमीर लोग कम टैक्स क्यों देते हैं? 20 साल पहले कई प्रकाशकों ने यह उजागर करने के लिए रिच डैड पुअर डैड की आलोचना की थी कि अमीर लोग टैक्स कम कैसे और क्यों देते हैं। एक ने कहा कि यह सबक गैर कानूनी है। 10 साल बाद सन 2007 में राष्ट्रपति बराक ओबामा पूर्व गवर्नर मिट रोमनी के खिलाफ पुनर्चुनाव के लिए खड़े हुए। जब यह उजागर किया गया कि राष्ट्रपति ओबामा ने अपनी आमदनी का लगभग 30% टैक्स में दिया है और गवर्नर रोमनी ने 13% से कम दिया तो मिट रोमनी की वो नीचे गिरने वाली ढलान शुरू हुई जिसके बाद वो चुनाव हार गए। एक बार फिर टैक्स 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में केंद्र बिंदु बन गया। मिट रोमनी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कानूनी रूप से कम टैक्स क्यों देते हैं ये पता लगाने के बजाय गरीब और मध्यम वर्गीय लोग नाराज हो जाते हैं। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप गरीबों और मध्यम वर्गीय लोगों के लिए टैक्स कम करने का वादा करते हैं, लेकिन सच तो ये है कि अमीर लोग टैक्स में हमेशा कम चुकाएंगे। अमीर लोग कम टैक्स देते हैं, इसका कारण अमीर डैडी के सबक क्रमांक 1 में मिलता है। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। जब तक कोई व्यक्ति पैसे के लिए काम करता है वो टैक्स चुकाएगा। जब राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन अमीरों पर टैक्स बढ़ाने का वादा कर रही थी तो वो असली अमीरों पर नहीं बल्कि ऊंची आमदनी वाले लोगों जैसे डॉक्टरों, अभिनेताओं और वकीलों पर टैक्स बढ़ाने का वादा कर रही थी 20 साल पहले। हालांकि रिच डैड पुअर डैड तुरंत सफल नहीं हुई जैसे कि द बीटल्स सर्जेंट पेपर्स एल्बम हुआ था, लेकिन रिच डैड पुअर डैड वर्ष 2000 तक द न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर सूची में पहुंच गई और लगभग 7 साल तक उस सूची में बनी रही। इसके अलावा वर्ष 2000 में ओपरा विनफ्रे का फोन आया। मैं पूरे 1 घंटे तक ओपरा कार्यक्रम में रहा और जैसा लोग कहते हैं बाकी इतिहास है। रिच डैड पुअर डैड इतिहास की नंबर 1 व्यक्तिगत वित्त पुस्तक बन चुकी है और पूरे संसार में रिच डैड सीरीज की लगभग 4 करोड़ पुस्तकें बिक चुकी हैं। क्या सचमुच कोई अमीर डैडी थे? करोड़ों लोगों ने पूछा है कि क्या सचमुच कोई अमीर डैडी थे। इस प्रश्न का जवाब देने के लिए आप अमीर डैडी के बेटे माइक की बातें सुन सकते हैं जब वो रिच डैड रेडियो शो पर अतिथि के रूप में आए थे। आप richdadradio.com पर जाकर वो प्रोग्राम सुन सकते हैं। रिच डैड ग्रेजुएट स्कूल। रिच डैड पुअर डैड यथासंभव सरल लिखी गई थी ताकि हर व्यक्ति मेरे अमीर डैडी के सबकों को समझ सके। जो लोग ज्यादा जानना चाहते हैं
20 वर्ष के समारोह के हिस्से के रूप में उनके लिए मैंने लिखी Why the rich are getting richer? What is financial education really? Why the rich are getting richer ज्यादा विस्तार और स्पष्टता से बताती है कि अमीर डैडी ने अपने बेटे और मुझे पैसे और निवेश के बारे में क्या सिखाया। Why the rich are getting richer ग्रेजुएट विद्यार्थियों के रिच डैड पुअर डैड है। ये रिच डैड विद्यार्थियों के लिए ग्रेजुएट स्कूल है। एक चेतावनी और एक आमंत्रण। हालांकि मैंने Why the rich are getting richer को यथासंभव सरल रखने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन अमीर लोग सचमुच जो करते हैं वो आसान नहीं है, ना ही उसे समझाना आसान है। अमीर लोग सचमुच जो करते हैं उसके लिए असली वित्तीय शिक्षा की जरूरत होती है, जो हमारे स्कूलों में नहीं सिखाई जाती। मैं सुझाव देता हूं कि पहले आप रिच डैड पुअर डैड पढ़ें, इसके बाद अगर आप और ज्यादा जानना चाहते हैं तो शायद Why the rich are getting richer आप ही के लिए है। अतीत, वर्तमान और भविष्य के मेरे सभी पाठकों को द रिच डैड कंपनी के हम सभी लोगों की ओर से 20 बेहतरीन वर्षों के लिए आपको धन्यवाद। मानवता के वित्तीय कल्याण को ऊपर उठाना हमारा मिशन है और ये एक समय में एक जीवन और एक व्यक्ति से शुरू होता है।